सब्सक्राइब कीजिए टिप टॉप न्यूज हिंदी चैनल को और बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड ने सहायक अभियंता प्रशिक्षु और कनिष्ठ अभियंता ट्रेनी के 393 खाली पदों को भरने के लिए CSEB भर्ती के रूप में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जो कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो ऑनलाइन कर सकते हैं 2/5/2018 से पहले। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में CSPHCL। इसमें देख सकते हैं आप, डेट इसकी 6 अप्रैल 2018 है, ये नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट। दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाए गए हैं असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी और जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में। उसके बाद इसकी डेट्स देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 11/4/2018 है और लास्ट डेट इसकी रजिस्ट्रेशन की स्टेप 1 और स्टेप 2 के लिए 2/5/2018 है और लास्ट डेट इसमें ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से स्टेप 3 में 3/5/2018 है। उसके बाद वैकेंसीज देख लेते हैं। यहाँ पर ब्रांच या पोस्ट कोड है UR कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए और टोटल यहाँ पर दी हुई है। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल में 4 UR के लिए है, 4 OBC के लिए, 7 SC के लिए और 41 ST के लिए, तो टोटल 56 वैकेंसीज है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, UR OBC SC के लिए, ST के लिए 1 वैकेंसीज है। CSPGCL में इलेक्ट्रिकल के लिए UR के लिए 5 वैकेंसीज है, OBC के लिए नहीं है, SC के लिए 1 है और ST के लिए 20, तो टोटल 26 वैकेंसीज है। मैकेनिकल में UR के लिए 5 है, OBC के लिए नहीं है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 19 है, तो टोटल 26 वैकेंसीज है। उसके बाद CSPTCL में इलेक्ट्रिकल के लिए देख लेते हैं। UR OBC के लिए नहीं है, SC के लिए 6, ST के लिए 33, तो टोटल 39 वैकेंसीज है। और इनके लिए स्टिपेंड 56,100 रुपये पर मंथ है। AE ट्रेनी के लिए जो MEMTECH डिग्री रखते हैं उनको 1,000 पर मंथ ज़्यादा मिल जाएगा और पे स्केल इसमें 56,100 से 1,44,300 रुपये दी जाएगी। तो दोस्तों, उसके बाद जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए देख लेते हैं। CSPDCL में UR के लिए 37 है, OBC के लिए 11, SC के लिए 6, ST के लिए 109, तो टोटल 163 वैकेंसीज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 UR OBC के लिए, 1 SC के लिए नहीं है, ST के लिए 1, तो टोटल 3 वैकेंसीज है। और CSPGCL में इलेक्ट्रिकल के लिए UR और OBC के लिए नहीं है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 19, तो टोटल 23 है। इसी तरह मैकेनिकल में UR OBC के लिए नहीं है, SC के लिए 5 है, ST के लिए 24, तो टोटल 29 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए UR और OBC के लिए नहीं है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 15, तो टोटल 18 है। और CSPTCL के लिए इलेक्ट्रिकल में UR के लिए नहीं है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 3, ST के लिए 4, तो टोटल 9 वैकेंसीज है। और सैलरी स्टिपेंड इसमें 35,400 रुपये पर मंथ है और सैलरी 35,400 से 1,12,400 रुपये दी जाएगी। तो दोस्तों, उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल में BE BTECH या BSc इंजीनियरिंग या AMIE इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंशन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए BE BTECH, BSc इंजीनियरिंग या AMIE इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। मैकेनिकल के लिए BE BTECH, BSc इंजीनियरिंग या AMIE मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और मैकेनिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स डिसिप्लिन में। एज लिमिट देख लेते हैं दोस्तों। एज ऑन 1/1/2018 के अंतर्गत
कम से कम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए एई ट्रेनी के लिए। मैक्सिमम एज देख लेते हैं, 30 ईयर्स ऑफ मेल या फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ अदर देन छत्तीसगढ़ स्टेट, और 35 ईयर्स फॉर यूआर कैटेगरी मेल या फीमेल कैंडिडेट्स छत्तीसगढ़ स्टेट डोमिसाइल्स, और 40 ईयर्स फॉर एससी एसटी ओबीसी मेल या फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट डोमिसाइल्स। मैक्सिमम 10 ईयर्स एज की छूट होगी इसमें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। तो जेई ट्रेनी के लिए देख लेते हैं, कम से कम 19 ईयर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 35 ईयर्स यूआर कैटेगरी मेल या फीमेल के लिए, 40 ईयर एससी एसटी या ओबीसी मेल या फीमेल के लिए। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी के लिए यूआर या ओबीसी के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, एससी या एसटी के लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए 1000 रुपये यूआर या ओबीसी के लिए है और 700 रुपये एससी या एसटी के लिए है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ़ीस ऑनलाइन जमा होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं इसमें, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT होगा, 2 घंटे का इसमें टाइम होगा और बाद में इंटरव्यू होगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे इसमें, पार्ट वन में 80 क्वेश्चन होंगे और पार्ट टू में 20 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 2 घंटे का और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, इसमें पार्ट वन में 80 क्वेश्चन होंगे और पार्ट टू में 20 क्वेश्चन होंगे। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cspdcl.co.in पर जाना होगा, और उसके बाद इधर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी और जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए यहां पर नोटिफिकेशन आए हुए हैं। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना होगा दोनों के, और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे मैंने असिस्टेंट इंजीनियर के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर दिया है तो एक न्यू पेज ओपन हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट आई हुई है, इंस्ट्रक्शंस है ऑनलाइन करने के, ऐसे ही जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए भी क्लिक करने के बाद ऐसे ही ओपन होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप आई एग्री पर बॉक्स पर क्लिक करना है और स्टार्ट करना है। अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड किया है तो नीचे वाली टैब पर क्लिक करना है, नहीं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पर और बाद में अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं।